तो एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और आज का क्लास 9 के लिए एक्सरसाइज 8 सॉरी एक्सरसाइज 1.1 हमारा जो एकदम फर्स्ट एक्सरसाइज है उसको लेके चलते हैं। तो हम लोग क्या किए, फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन पहले देख चुके हैं, आज थर्ड एंड फोर्थ देखेंगे, 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए ये एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3, यह क्वेश्चन है फाइंड फाइव रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। ठीक वही क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 3 से मैच करता है, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है। अगर डिनोमिनेटर सेम ना होता एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। यहां पर डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि एलसीएम दोनों का अगर निकाला जाए 5 आ जाएगा। तो सेम जब हो तो हम कैसे काम करेंगे, पहले बताएं हम 5 रैशनल नंबर है हमको फाइंड करना है, क्या है रैशनल नंबर 5 निकालना है बिटवीन 3/5 एंड 4/5। तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 6 से करेंगे, राइट। सिंस 3/5 इज इक्वल टू 3/5 इंटू 6, एक ज़्यादा क्यों करेंगे हम पहले बताए, हमारे जो 9 क्लास का फर्स्ट कुछ इंट्रोडक्शन वीडियो है उसको देख लीजिए। फिर इंटू 6, दोनों में डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर दोनों में सेम वैल्यू हम मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा 18/30। एक तो ऐसा, सेकेंड क्या होगा, 3/5 के बाद हमारे पास 4/5 है, तो 4/5 इंटू 6, फिर न्यूमिरेटर के साथ भी इंटू 6, रिजल्ट होगा 24/30। अब जैसे डिनोमिनेटर दोनों का इक्वल आ गया तो 18 और 24 के जो बिटवीन नंबर्स होंगे वो सभी रैशनल नंबर हम लिख देंगे। लिखेंगे देखिए 18 के बाद 19 होगा, देखिए यहां पर देखिए क्या हो जाएगा, 18 के बाद 19/30, फिर 20/30, 21/30, कॉमा 22/30, 23/30, इतना होगा। 24/30 को नहीं लिखना है क्योंकि इन दोनों के बिटवीन नंबर्स जो होंगे उनको लिखना है। तो अब इसको थोड़ा कैंसिल कर लेते हैं, बिना कैंसिल किए हुए रिजल्ट हम नहीं लिखेंगे। सो 0 0 कैंसिल, राइट, 3 7 जा 21, 3 10 जा 30। ध्यान देंगे 2 11 टाइम्स में 22 को कैंसिल करेगा, 2 15 टाइम्स में 30 को कैंसिल करेगा, ये वाला कैंसिल नहीं है। तो फाइनल फाइनल जो आंसर है वह हो जाएगा, यहां लिख देते हैं 19/30, फिर हमारे पास 2/3, कॉमा उसके बाद क्या हो जाएगा 7/10, 11/15, और एक हमारे पास लास्ट में 23/30। ये आंसर हम लोगों के पास 5 रैशनल नंबर्स के रूप में आएगा बिटवीन 3/5 एंड 4/5। बहुत सिंपल है, अगर इनका डिनोमिनेटर दोनों का इक्वल नहीं रहता, अनइक्वल रहता, ये 5 रहता ये 6 रहता, तो हम उसका एलसीएम निकालते पहले, तो 5 6 जा 30, तो हम दोनों को पहले 30 में बदलते, डिनोमिनेटर को 30 में बदलते। इसके लिए भी हमारा कुछ वीडियो जो पहले बना है उसको देखिए, आपको समझ में आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के साथ चलते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास आ गया, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ठीक है, फर्स्ट में, हाँ इसके पहले फिर से हम आपको एक बात बता रहे हैं, एक्सरसाइज को स्टार्ट करने के पहले हम अपना कुछ इंट्रोडक्शन वीडियो नंबर सिस्टम के ऊपर बनाए हुए हैं, उसका आप वीडियो जाके पहले देखिए, ये सभी क्वेश्चन के आंसर उसमें
दिए हुए हैं, इंटीजर, रैशनल नंबर, होल नंबर, ये सभी को समझाया हुआ है उस वीडियो में, आप देख लीजिए। नंबर वन, एवरी नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर वन से स्टार्ट होता है, ध्यान रखेंगे, वन टू से इन्फिनाइट तक। एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, यह बिल्कुल होता है, क्योंकि यह नेचुरल नंबर वन से स्टार्ट होगा, होल नंबर जीरो से स्टार्ट होगा, यानी जीरो वन टू थ्री स्टार्ट होगा। जीरो होल नंबर में एक चीज ज्यादा है, यानी होल नंबर रखता है दो हिस्सा को, एक नेचुरल नंबर को, दूसरा जीरो को भी रखता है। उसके बैग में दो चीज है, जीरो और नेचुरल नंबर। यानी यह क्वेश्चन, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, यस नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, लिख देंगे इट इज ट्रू। ये जो फर्स्ट का है यह क्या हो गया, ट्रू हो गया, क्योंकि नेचुरल नंबर होल नंबर का ही पार्ट होता है। सेकंड, एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। अब देखो, इंटीजर में माइनस भी होता है और प्लस भी होता है। देखो, होल नंबर में जीरो से स्टार्ट होता है पॉजिटिव, और इंटीजर में जीरो से लेफ्ट साइड भी जाएगा, यानी माइनस की भी काउंटिंग उसमें होती है, माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, यानी इंटीजर होल नंबर से बड़ा है क्योंकि उसमें माइनस होता है। तो यह कहना कि एवरी इंटीजर, सभी इंटीजर होल नंबर होंगे, यह फॉल्स हो जाएगा। होल नंबर इंटीजर होगा, लेकिन सभी इंटीजर होल नंबर होगा, यह गलत होगा, क्योंकि इंटीजर माइनस टू भी होगा, लेकिन माइनस टू होल नंबर का हिस्सा नहीं होगा, या माइनस फाइव होल नंबर का हिस्सा नहीं होगा। सो यहां पर यह फॉल्स हो गया, सेकेंड नंबर फॉल्स। थर्ड नंबर पे चलते हैं, एवरी रैशनल नंबर इज ए होल नंबर। देखो, रैशनल नंबर पी वाई क्यू में होता है, होल नंबर जीरो से स्टार्ट होता है, जीरो वन टू थ्री, राइट, उसमें भी फ्रैक्शन पी वाई क्यू में रहता है, जैसे टू बाई वन, थ्री बाई वन, तो यहाँ पे भी वन है डिनोमिनेटर में, लेकिन हम लोग उसको इस प्रकार नहीं लिखते, हम लोग जीरो वन टू थ्री फोर फाइव। यहाँ पर रैशनल नंबर फोर बाई फाइव हो सकता है, वन बाई टू हो सकता है, थ्री बाई फाइव हो सकता है, लेकिन अगर इन सभी को देखेंगे, वन बाई टू, थ्री बाई फाइव, तो ये होल नंबर का हिस्सा नहीं है। वन बाई टू, थ्री बाई फाइव, कुछ भी लिखते हैं डिवीजन के रूप में, रेशियो के रूप में, वह रैशनल होगा लेकिन होल नहीं होगा। तो इसका भी रिवर्स पढ़ेंगे तो ठीक हो जाएगा, होल नंबर रैशनल होगा, हाँ बिल्कुल होगा, क्योंकि रैशनल नंबर होल नंबर से बड़ा एक परिभाषा देता है, राइट, इसका डिफिनेशन थोड़ा अलग है। इसमें रैशनल नंबर में होल नंबर भी होगा, फ्रैक्शनल नंबर भी होते हैं, लेकिन सभी रैशनल नंबर होल नंबर नहीं होगा। सो थर्ड नंबर फॉल्स। तो फिर से हम बता रहे हैं, जो हमारा इंट्रोडक्टिव वीडियो है नंबर सिस्टम पर, उसको जाके देखिए, बात समझ में आ जाएगी। और इसी प्रकार एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1-4 हम आज द एंड कर दिए। नेक्स्ट वीडियो देखेंगे, 1.2 से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं उसमें आगे क्या मिलता है। तब तक के लिए थैंक यू।